हेलो नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के साथ मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए आज जो पहले मेंस का क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो आज जो मेंस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो आपको ये बताना है कि क्लाउड सीडिंग है क्या, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड सीडिंग से भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं, इसी के साथ इसका क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब हमारे पर्यावरण पर क्या क्या इफेक्ट है वो पड़ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इसमें बताने हैं। अब देखो इसमें आगे जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह लिखा है। 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर है वो देना है। इंग्लिश में आई थिंक एक लाइन मैंने यहाँ पे मिस कर दी है। हाँ, वो पर कि आपको ये बताना है कि इन्वायरमेंट पे क्लाउड सीडिंग का क्या क्या इंपैक्ट है वो पड़ रहा है। तो इसमें देखो ये सबसे पहले आपको बताना है कि क्लाउड सीडिंग है क्या। तो आपको बताना है कि क्लाउड सीडिंग है वो एक तरीके की मौसम को चेंज करने की एक प्रक्रिया, मतलब मौसम संशोधन की एक प्रोसेस है, जिसमें होता ही है कि जो वायु होती है उसमें कुछ पदार्थों का फैलाव किया जाता है, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड हुआ या पोटेशियम आयोडाइड हुआ या फिर ड्राई बर्फ होती है उसका, तो उससे क्या भी वर्षा की जाती है, आर्टिफिशियल रेन की जाती है। तो देखो जो ड्राई बर्फ होती है फिर सिल्वर आयोडाइड होते हैं, ये क्या करते हैं कि जब इनको हमारे एटमॉस्फेयर में वातावरण में छिड़का जाता है, फैलाव किया जाता है इनका, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो भी एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंस होती है, जो जलवाष्प होती है, उसको एक इकट्ठा कर लेते हैं और पानी की बूंद में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उससे क्या है बारिश करवाई जाती है आर्टिफिशियल। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्चुअली क्लाउड सीडिंग। तो इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए, तो पहले ये लिखनी है। इसके बाद में हमें आगे बताना है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आप बता सकते हो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर वो मतलब बारिश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। अप्रोक्सीमेट जो 57% जो खेती होती है इंडिया की वो बारिश के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसलिए उन एरियाज़ में आजकल बारिश क्या इनरेगुलर हो रही है, तो वहाँ काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। कुछ एरिया में काफ़ी सूखा वगैरह आ रहा है तो उस क्षेत्र में बारिश से फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ आप बता सकते हो कि दिल्ली जैसे एरियाज़ हैं वहाँ पर भी क्या है कि पॉल्यूशन पॉइंट के वो भी आप यहाँ पर एक लाइन में इंक्लूड कर सकते हो। मैंने लिखा वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं हो पाएगा। इसके साथ आप आगे बता सकते हो कि एलिनो की वजह से क्या है कि बारिश है कई बार काफ़ी ज़्यादा होती है कुछ एरिया में, तो वहाँ पे भी इस चीज़ से कंट्रोल हो किया जा सकता है। आगे बात आती है कि जहाँ पे पेड़ पौधे हैं मतलब काफ़ी कम है और उन एरिया में बारिश नहीं होती, तो उस एरियाज में भी इसका यूज किया जा सकता है। और जो रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, मतलब डेजर्ट एरिया इंडिया में फैल रहा है, उसको भी आप कहीं ना कहीं आप इसे मतलब रोकने में कुछ हद तक ये सफल है। तो ये सारे पॉइंट्स आप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है, वो हो सकती है। इसके बाद आपको बताना है कि नेगेटिव पॉइंट मतलब पर्यावरण को क्या क्या नुकसान हो सकता है, पर्यावरण पर जो इम्पैक्ट है, तो उसमें आप बता सकते हो कि सिल्वर आयोडाइड है वो एक्चुअली जो मनुष्य और भी तक जो स्तनधारीज होते हैं उनकी क्षमता पे या उनको जो मतलब नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं, और इसलिए उनके लिए विषैला पदार्थ होता है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खतरा साबित हो सकता है। इसके बाद आप बता सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जैसे जो स्पीसीज होती हैं काफ़ी, जैसे पिग्मी पोस्टमेंट जो स्पीसीज होती हैं, संरक्षित प्रजातियाँ होती हैं, उनके लिए काफ़ी खतरा होता है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि बारिश वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो उस कंडीशन में बाढ़ वगैरह का रीजन है वो बन सकती है रेन सप्रेशन के कंडीशन होने पे। और अगला पॉइंट ये था कि क्लाउड सीडिंग का उपयोग वो काफ़ी घातक हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं क्लाइमेट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो जो भी नेचुरलिटी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो कि महाराष्ट्र में इसका जो टेस्टिंग वगैरह वो की गई थी, तो इसका रिजल्ट वो अच्छा मिला था, बट अभी गवर्नमेंट ने इसे मतलब प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट हो किया नहीं है, तो वो सारे पॉइंट आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको 250 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर है वो अटेम्प्ट करना है। और फिर अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, क्योंकि आज ये 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो मेनली ये है कि जो हाउसिंग क्राइसिस के बारे में है कि इंडिया में अभी जो हाउसिंग क्राइसिस है वो क्यों फेस किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इतना इन्वेस्ट कर रही है हाउसिंग के ऊपर उसके बाद भी, बट जो रिजल्ट है इतना अच्छा नहीं आ रहा, मतलब गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम चला रही है हाउसिंग के लिए। तो आपको वो स्कीम बतानी कि कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा अभी चलाई गई हैं। इसके बाद आपको डिस्कस करना है कि कौन कौन से गवर्नमेंट को स्टेप उठाने होंगे ताकि जो स्कीम का जो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा लोगों को वो फ़ायदा मिल सके। तो इस क्वेश्चन को भी आपको 250 वर्ड में अटेम्प्ट करना है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप इनका जो आंसर है वो नीचे जो वेलकम UPSC का पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको आंसर राइटिंग वो लिख सकते हो फोटोज वगैरह के फॉर्म में। पहले तो देखो आंसर राइटिंग की काफ़ी दिक्कत आती थी कि आप फोटोज वगैरह अपलोड नहीं कर पाते थे, बट अभी जो welcomeupsc.com जो साइट है वहाँ पर जाकर आप आंसर राइटिंग वो कर सकते हो, वहाँ पर आपको हिंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अब चलते हैं हम आगे आगे एडिटोरियल डिस्कशन में। आज का जो पहला आर्टिकल आया हुआ है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेके, तो इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं। हमने इसे प्रीलिम्स अपडेटर में भी डिस्कस किया था थोड़े बहुत पॉइंट, तो फिर एक बार फिर यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है मेरे GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं हम सबसे पहले कि शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का पद।
देखो इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में क्या होता था कि राजा का जब रूल होता था तो राजा क्या करते थे कि अपने जो भी एमपी होते थे उनको अपनी अपने फेवर में रखने के लिए क्या करते थे, जो जो बड़े मतलब लाभ के पद होते थे कि मतलब जहाँ से उनको प्रॉफिट हो सकते हैं उनको वो पोस्ट दे दी जाती थी ताकि वो उनके फेवर में काम कर सकें। जैसे कि फ्यूचर में राजा अगर हट रहा है और उसके उसका बेटा मतलब राजा बन रहा है तो उसके में उसके बेटे को भी जो एमपीज हैं सांसद हैं उनका फेवर चाहिए होता है, तो इसलिए उनको मतलब फेवर मिलता रहे, उनका पक्ष और सपोर्ट मिलता रहे, इसलिए क्या कि एमपी को खुश रखने के लिए एक तरीके से लाभ का पदव दिया जाता था। तो एक तरीके आप बोल सकते हो कि इससे क्या क्या है लाभ होता है, तो उसी बात को लेकर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो बात यह है कि नैतिक तौर पर जो लाभ का पद है वो कहीं ना कहीं कार्यवाही को प्रभावित करता है, क्योंकि देखो अगर कहीं ना कहीं अगर लाभ हो रहा है किसी पोर्ट से तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इंसान का जो मन है वो डाइवर्ट कर सकता है, तो उसे नुकसान हो सकता है। और इसी चीज़ को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन है वो लिया था, और इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। देखो संविधान में जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया हुआ है, मतलब संविधान में भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्लियर जिक्र नहीं है, बस केवल उसमें लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो वो सारा दिया हुआ है। अब देखो हमारे संविधान के जो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसके जजमेंट है कुछ तो एक तरह से, कि उन जजमेंट से हमें पता चलता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो क्या किस लिए खतरा साबित हो सकता है और उससे क्या क्या नुकसान होता है। देखो आप सीधा मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का ये समझ सकते हो कि वो पोस्ट जिससे कोई भी एमपी एमएलए हो जिसको फ़ायदा हो रहा हो, चाहे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा हो या फिर उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलने का दूसरे तरीके से भी फायदा हो सकता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि जया बच्चन का केस, जया बच्चन राज्यसभा की मेंबर थी और उसे यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का भी अध्यक्ष वो बनाया गया था, तो आप देख सकते हो कि अगर कोई भी मेंबर है वो मतलब इतनी बड़ी काउंसिल का अगर अध्यक्ष है तो कहीं ना कहीं उसे फायदा तो हो ही रहा ना, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा क्लियर ये चीज़ कि वो ऐसी पोस्ट जिस पोस्ट से अगर कहीं ना कहीं आपको फायदा हो सकता है, आप अपने फायदा कमा सकते हो उस पोस्ट के नाम से, तो वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में काउंट होगी। मतलब ऐसी पोस्ट जिससे कहीं ना कहीं उसे फायदा हो सकता है फाइनेंशियली या फिर दूसरे तरीके से, तो वो पोस्ट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड होती है। तो इसीलिए जया बच्चन को क्या किया था, राज्यसभा की जो सदस्य थे डिस्क्वालीफाई वो कर दिया गया था, क्योंकि वो यूपी फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर अध्यक्ष थी वो थी, और उन्होंने अपना तर्क ये दिया था कि मैं यहाँ पे कोई भी मतलब एक तरीके से जो बोल सकते हो कि मंथली सैलरी वगैरह वो नहीं ले रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये था कि आप सैलरी भले ही मत लो बट आपको इस चीज़ से कहीं ना कहीं काफ़ी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है और ये कहीं ना कहीं लोगों को एक तरीके से मन है वो बहका सकती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसी है कि ऐसी कोई पोस्ट एमपी एमएलए धारण नहीं कर सकते जिस पोस्ट से उन्हें फ़ायदा हो सके, या मतलब चाहे मॉनिटरी पैसे के तरीके से फ़ायदा हो या फिर किसी दूसरे तरीके से फ़ायदा हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्लियर है। तो हमने देखा था कि आर्टिकल 102 से वो एमपीज के लिए, और आर्टिकल 109 उन्होंने उसमें एक्चुअली एमएलए के बारे में लिखा हुआ है कि एमपी और एमएलए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की अगर पोस्ट को धारण करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी, स्टेट और सेंटर दोनों जगह रूल अप्लाई किया होता है। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जब सुबह हमने ये भी डिस्कस किया था जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो फिर ये राज्य मंत्री होते हैं और जो यूनियन मंत्री होते हैं ये क्यों मतलब इनको क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाता, इनको डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इनको छूट दी गई है, इन चीज़ का क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जो राज्य के जो मंत्री होते हैं फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री होते हैं वो एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको छूट दी गई है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखने की, इनको संविधान में छूट दी गई है, बोल सकते एग्जेम्पशन दी गई है, इसीलिए इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में काउंट है वो नहीं किया जाता है। अब देखो कौन कौन से पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट हो या कोई भी रेगुलेट होने वाले पद जो कि गवर्नमेंट से मतलब उनका कोई ना कोई कनेक्शन हो, इसी के साथ जो कोई पीएसयू वगैरह कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो उसमें अगर कोई ना वो काम करे तो पीएसयू ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, तो वो सारी पोस्ट भी आएंगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिस्ट में। इसी के साथ सरकार के द्वारा कोई भी बेनिफिट का ऐसा पद हो जिससे सरकार के द्वारा कोई भी फायदा वो लिया जा रहा हो, मतलब इनडायरेक्टली सरकार से कोई ना कोई हेल्प ली जा रही हो उस चीज़ में, तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में काउंट होती है। और इसी के साथ जिसे वित्तीय विनियमन हो रहा हो या वित्तीय विनियम को भी सपोर्ट किया जा रहा हो तो वो सारी पद हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएंगे। मतलब ऑल ओवर बात यही है कि वो पद जिनसे कहीं ना कहीं पैसा कमाया जा सकता है फिर मॉनिटरी रूप से लाभ हो सकता है वो सारे पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए इनको अलग किया क्योंकि देखो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अलग नहीं किया जाएगा तो उस कंडीशन होगा कि एमपी और एमएलए हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टें धारण कर लेंगे पीएसयूज वगैरह में, जैसे कि गेल वगैरह यहाँ पे, तो उससे नुकसान ही होगा कि वो लोग अपने जो एमपी और एमएलए का जो दायित्व है जनता का वो पूरा नहीं कर पाएंगे और वो अपने प्रॉफिट के चक्कर
चक्कर में अपनी तरह की पॉलिसी बना के और मतलब उनका मिसयूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की चीज़ को हमारे संविधान में इस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया, तो ये चीज़ हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट आता है मैक्सिमम मिनिस्टर का, क्योंकि देखो मेनली इसमें आरटीएल में दिल्ली का केस था, तो मैक्सिमम मिनिस्टर का हमारे संविधान के जो 91 अमेंडमेंट है उसमें ये प्रावधान है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। चाहे विधानसभा है तो उसमें भी जितने मेंबर हैं उन मेंबर का 15% से ज़्यादा है वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये प्रावधान है कि 15% से ज़्यादा मेंबर हैं वो मिनिस्टर्स हैं वो नहीं बन सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं विधानसभा की, तो 100 सीटों में से केवल है 15 जो एमपी हैं वही एमपी हैं वही केवल मतलब वो बन सकते हैं मंत्री, इसके अलावा बाकी लोगों मंत्री नहीं बन सकते। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि देखो जब 91 अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले से ही नहीं हो रहा था कि क्या कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट आती थी वो अपने सभी को अलग अलग मंत्री बना देती थी। जैसे कि हर काम के लिए दो दो तीन तीन मंत्री बना देना, जैसे कि आप बोल सकते हो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ले लो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत चार चार पाँच पाँच को मंत्री का पद दे दिया जाता था। तो इससे नुकसान ही होता था कि जनता गवर्नमेंट का जो राजस्व है उसको नुकसान होता था क्योंकि उनको ज़्यादा सैलरी वगैरह देनी पड़ती थी, ज़्यादा उनका खर्चा होता था एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह का। तो उन सारे खर्चा को मतलब उन सारे खर्चों को कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया अमेंडमेंट में कि भाई अब जितने भी सीटें होती हैं उनका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर वो नहीं बन सकते। पहले से नहीं होता था कि पावर मिनिस्ट्री में अलग पावर का अलग मंत्री है, मिनिस्टर के अलग अलग मंत्री बनाए जाते थे हर सेक्टर के, तो उससे काफ़ी नुकसान होता था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ऐसा होता था कि साइंस के लिए अलग मिनिस्टर है, टेक्नोलॉजी के लिए अलग मिनिस्टर। तो मतलब बात ऑल हो रही है कि ज़्यादा मिनिस्टर होते थे तो उसके चक्कर में ऑब्वियसली उनको सैलरी वगैरह देनी होगी गवर्नमेंट के अकाउंट से, तो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है गवर्नमेंट के फंड को। तो इसीलिए ज़्यादा खर्चा को कंट्रोल करने के लिए प्रावधान किया गया था। बट एक हमारे लिए स्पेशल बात यह होती है कि दिल्ली को इसमें छूट दी गई है, कि ध्यान रखना दिल्ली के लिए छूट है कि दिल्ली में केवल 10% है वही मेंबर बन सकते हैं। मतलब दिल्ली में 70 सीटें हैं तो 70 सीटों का 10% मतलब दिल्ली में केवल 7 मेंबर हैं वही मंत्री बन सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा सीटें यहाँ पे अलाउ नहीं है। दिल्ली के लिए ऐसी छूट है वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है पॉइंट को। अब अगला मुद्दा आता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मतलब संसदीय सचिव का, कि संसदीय सचिव वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आती है नहीं आती है। तो इस चीज़ की जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है पहले की और पहले की जजमेंट है उन जजमेंट से प्रूव होता है कि पार्लियामेंट्री सचिव है वो कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में इंक्लूड होते हैं। अब देखो पार्लियामेंट्री सचिव है इनकी शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से। किस तरीके से? ब्रिटेन में ये होता था कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते थे वो एक्चुअली एक सदन से दूसरे सदन में मतलब उनके मीटिंग वगैरह में नहीं जा सकते थे और वहाँ पे अपने जो भी बोल सकते हैं आप एक तरीके से कह सकते हो कि उनको जो भी आंसर वगैरह देना होता था मीटिंग दौरान असेंबली के दौरान तो आंसर वगैरह नहीं दे सकते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे अपने एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करते थे, मतलब अपने एमपी और एमएलए वो अपने क्या करते सेक्रेटरी को अपॉइंट करते थे ताकि वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होकर उनका प्रतिनिधित्व कर सकें। तो इस तरीके से सेक्रेटरी वो रिप्रेजेंटेशन के तौर पर काम करते हैं। इंडिया में सबसे पहले एमएलए जो सीएम और पीएम होते हैं उनके लिए अलाउ होता है, फिर धीरे धीरे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं उन्होंने अपने सेक्रेटरी रखना शुरू किया और अभी धीरे धीरे ये चलन वो बढ़ता जा रहा है। तो देखो दिल्ली के अंदर ही ऐसा क्यों, अब मुद्दा ये आता है कि दिल्ली के अंदर ही अभी केस ऐसा क्यों बना, क्योंकि काफ़ी स्टेट हैं जैसे कि आप ले सकते हो कि गुजरात हुआ, बाकी और भी स्टेट है पंजाब हुआ हरियाणा, तो वहाँ पे भी तो जो सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट हैं उनको एक्चुअली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको भी हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो इसके लिए मुद्दा देखो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ चूक हुई थी, दिल्ली गवर्नमेंट से चूक ये हुई थी क्योंकि अदर स्टेट है उन्होंने तो क्या कि कानून बना के छूट दे रखी है। मतलब हर स्टेट अपना अपना कानून बनाता है ना, तो सभी स्टेटों ने तो अपने कानून बना के जो पार्लियामेंट्री सचिव की जो पोस्ट है उसको छूट दे रखी है और दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर पाई। दिल्ली सरकार बनी मतलब आम आदमी की जब सरकार बनी तो उसके बाद उन्होंने मंत्री बना दिए 20 लोगों को, और मंत्री बनने के बाद उन्होंने एक्चुअली ध्यान आया कि अच्छा हमने तो जो मतलब अमेंडमेंट है वो किया ही नहीं। अब दिल्ली में आपको पता है कि अगर कोई भी अमेंडमेंट वगैरह कोई भी कानून बनाना हो तो कहीं ना कहीं हमें मतलब राज्यपाल की परमिशन वो लेनी होती है, और राज्यपाल ने उस टाइम पर परमिशन दी नहीं और उन्होंने डायरेक्टली केस भेज दिया इलेक्शन कमीशन को, तो वहाँ से फिर वो पूरी प्रोसीजर है फिर अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट के पास गई और वहाँ से उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये सारी प्रोसीजर थी इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट से चूक ये हो गई कि उन्होंने क्या कि मतलब रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से अप्रोच अपनाई कि ताकि कानून बना दिया जाए और उसको एक साल बाद लागू किया जाए, तो वो चीज़ वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई। उस कंडीशन में दिल्ली गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं 20 जो एमपीज हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो इसलिए सारा केस है वो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जो पोस्ट है उसके बारे में हमने देखा कि जो पार्लियामेंट्री सचिव की जो पोस्ट है वो मेनली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की लिस्ट में काउंट की जाती है क्योंकि जो भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनसे इस चीज़ का पता चल रहा है।
तो यही बात है। और फिर आगे देखो आर्टिकल में मेन पॉइंट ये आता है कि संविधान में इस चीज़ का क्लियर प्रावधान है कि जब 15% से ज़्यादा सीटें वो हो ही नहीं सकती मिनिस्टर्स की, तो फिर इतने सारे एक तरीके से इनडायरेक्टली आप जब सचिव बना रहे हो, कैबिनेटरी सचिव नहीं, सो जो पार्लियामेंट्री अगर आप सचिव नियुक्त कर रहे हो, तो कहने की पार्लियामेंट्री सचिव भी तो गवर्नमेंट के पैसे वगैरह खर्च कर रहे हैं, गवर्नमेंट के वाहन वगैरह यूज व्हीकल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का इनडायरेक्टली तो जो खर्चा वो बढ़ ही रहा है ना, तो इससे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान के खिलाफ है। और ऐसे जो पार्लियामेंट्री सचिव की जो पोस्ट हैं, ज़्यादा पोस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए इनको रोकना चाहिए, ये बात लास्ट में आर्टिकल में बताई गई है। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यू को लेकर है, तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में मेनली बताया गया कि डोकला में फिर से विवाद है, वो सामने उभरता हुआ आ रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। देखो आर्टिकल में सबसे पहले बताया गया है कि जो डोकलाम का एरिया है, उस एरिया में विवाद है, वो फिर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसी के लिए स्टेप उठाए जाने की कोशिशें हो रही हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। एक्चुअली जो डोकलाम का एरिया है वो मेरे लिए भूटान, इंडिया और जो चाइना का एरिया है तिब्बत वाले, उस एरिया में है, तो ये थोड़ी लोकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहीं यहीं पे जो स्थित हुआ है चुंबन वैली, तो ये आप देख सकते हो कि ये है मेरे लिए भूटान, यहाँ पे ये इंडिया का एरिया, ये और ये चाइना का, तो ये जो वाला एरिया है सारजुंगट मतलब ट्रायंगल वाला, इसको ये वाला एरिया रहता है वो है डोकलाम का, और ये वाला जो आप देख सकते हो ये एरिया, इसको बोलते हैं चुंबन वैली। तो ये चुंबन वैली में पता होना चाहिए। अब आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में कि नाथुला पास है वो कहाँ पे है, नाथुला पास कहाँ पे आता है, कौन कौन से एरिया को कनेक्ट करता है। तो अब चलते हैं हम आर्टिकल में मेनली के जो पॉइंट दिए गए हैं। तो आर्टिकल में मेनली ये कहा गया है कि देखो जून में ये इश्यू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आता, जून में हमने देखा था कि इस तरीके से मतलब बॉर्डर पे आपस में जो आर्मी थी वो तैनात हो गई थी चाइना की तरफ से और इंडिया की तरफ से, और उसके बाद 73 डेज तक एक प्रोसेस चली थी वहाँ पे, काफ़ी गर्मा गर्मी रही थी, और अगस्त में जाके फिर शांति हुई थी। तो अगस्त में शांति बहाल होने के बावजूद अभी ऐसा सुर्खियों में आने लगा है धीरे धीरे कि 5 महीने बाद ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर फिर से चाइना की एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है। तो आर्टिकल ये बता रहा है कि काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, सिक्योरिटी के लिए भी कहने के हमारे लिए चीज़ खतरा वो हो सकती है, और चाइना वो देखो इस एरिया में क्या है कि अपनी चाइना वो इस एरिया में कहीं ना कहीं अपनी टांगों को अड़ाता जा रहा है, मतलब अपनी अस्थिरता का ये काफ़ी बड़ा रीजन वो बनता जा रहा है। देखो राइटर के द्वारा मेनली 2-3 पॉइंट उठाए जाते हैं कि जब उस टाइम पे अगस्त के अंदर ये सेटलमेंट हुआ था कि हाँ भाई दोनों ऑफिशियली जब अनाउंसमेंट हुआ था दोनों कंट्रीज की तरफ से कि दोनों की आर्मी वो एक साथ वहाँ से हट जाएंगी तो कोई इशू नहीं रहेगा, बट अभी देखा जाए तो इंडिया की आर्मी वहाँ से हट गई थी, बट उसके बाद चाइना की आर्मी की प्रेजेंस है वहाँ पर नोट डाउन की जा रही है, और चाइना वहाँ पर धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है। तो इस चीज़ से पता मतलब लोगों के मन में एक तरीके से डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आर्टिकल ये कह रहे हैं कि जो राइटर उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को अपने जो भी मतलब स्टेटमेंट वो क्लियर रखने चाहिए जनता के सामने, ताकि जनता को पता चले कि वहाँ पे कुछ इश्यू है नहीं है क्या है, क्योंकि देखो अगर जनता के मन में कोई भी डाउट रहता है कि संदिग्धता रहती है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पूरी डेमोक्रेसी के लिए खतरा साबित हो सकती है, क्योंकि लोगों के मन में कोई ना कोई गलत बात आएगी तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट है रिसेंटली, इस गवर्नमेंट को क्लियर गाइडलाइन मतलब क्लियर एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि वहाँ पर अभी चल क्या रहा है और क्या एक्चुअली इसका सोल्यूशन किया गया अभी तक, क्योंकि देखो मुद्दा वो काफ़ी संवेदनशील है। आप जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट के एरिया की कनेक्टिविटी के लिए वो एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर एक्चुअली चिकन नेक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी पतला सा स्ट्रेच है, और उस कंडीशन में उसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए, और अभी गवर्नमेंट है और नॉर्थ ईस्ट पर लगातार फोकस कर रही है, और सिक्योरिटी के लिए देखो हमारे लिए लगातार खतरा बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के द्वारा लगातार टेरर अटैक किए जा रहे हैं, और अगर इसी हालात में अगर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में भी अटैक मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया में भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना की वजह से हमें अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर पे देखो अभी रिसेंटली जो विपिन रावत हैं उन्होंने भी अपनी जजमेंट दी थी, उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया को ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया। तो मतलब इन स्टेटमेंटों से हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ आया, कहीं ना कहीं ऐसा ज़्यादा है। तो आर्टिकल ये राइटर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को आके अपनी जो स्पीचमेंट है जो स्टेटमेंट है वो क्लियर करनी चाहिए, ताकि पता रहे लोगों को कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ पे, डोकलाम पे चाइना अपनी क्या मनमर्जी चला रहा है, और वाकई डोकलाम पे चाइना का क्या स्टेट है, और इंडिया ने क्या अपना स्टैंड है वो लिया है। तो वो सारी बातें क्लियर करने के लिए आर्टिकल यहाँ पे कह रहा है। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स थे हमने देखे, मैंने लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है, और जो मुद्दा था वो एक बार हमने रिवाइज कर लिया कि वहाँ पे क्या चल रहा है और हो क्या रहा था। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो मेनली प्रायोरी जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको लेके है, तो देखते हैं इस आर्टिकल में। ये आर्टिकल है वो मेनली GS2 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में आर्टिकल कुछ इश्यूज बता रहा है और फिर उनके लिए समस्याओं के समाधान भी बता रहे हैं। आर्टिकल राइटर है वो कह रहे हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर की समस्या वो काफ़ी गंभीर है, क्योंकि देखो रूरल एरियाज में होता ही है कि डॉक्टर वो रूरल एरियाज में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में क्या है कि उनको पूरी फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती है, उनको शहरों में तो क्या ज़्यादा
उनको प्रॉफिट होता है, गांव में इतना प्रॉफिट नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर क्या है कि रूरल एरिया में जाते नहीं है, और अगर डॉक्टर गांव में नहीं जाते हैं तो इसलिए वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है गाँव का, वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है, डॉक्टर वहाँ जाते नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ ने प्रयास भी कर दिया कि गाँव में डॉक्टरों कैसे न कैसे संख्या वो बढ़ाई जाए। मेन बात ये कि डॉक्टरों को वहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं दिखता है, उनको एक्स्ट्रा इनकम वगैरह नहीं दिखती है, तो इसलिए डॉक्टर वहाँ पे जाने से अवॉइड करते हैं, फिर इन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रहती है, तो उन सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा नहीं मिल पाता है उनके, तो इसलिए डॉक्टर्स इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। और इसीलिए हमारे जो अभी बिल लाया गया था, नेशनल मेडिकल बिल लाया था, इस बिल में इस चीज़ का प्रावधान किया गया था कि आयुष के तहत जो भी आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को भी एक्चुअली छोटा मोटा कोर्स करवा दिया जाए, मतलब कुछ ऐसा कोर्स हो ताकि वो भी जो एलोपैथी की दवाई है, मतलब जो भी अंग्रेजी दवाई है, वो पेशेंट को लिख सकें। क्योंकि देखो अभी इस चीज़ का क्लियर प्रावधान है कि जो आयुष के जो होम्योपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो एलोपैथिक मतलब अंग्रेजी दवाई है वो लिख के नहीं दे सकते, मतलब अंग्रेजी दवाई है वो प्रिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकते। तो इसीलिए राइट उस चीज़ में नेशनल मेडिकल बिल में इस चीज़ का प्रावधान किया गया कि गाँव में आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो गाँव में क्यों ना क्यों मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं इनको कोई छोटा कोर्स करवा दिया जाए, 5 महीने 6 महीने साल भर का, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए और वो गाँव में जो अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब अच्छा हेल्थ केयर है वो प्रोवाइड करवा सकें। इसीलिए इस चीज़ पर फोकस किया गया था। बट राइटर कह रहे हैं कि इस चीज़ का विरोध किया था जो मेडिकल काउंसिल है, इस चीज़ ने विरोध किया कि नहीं इससे डॉक्टर्स से उनको खतरा हो सकता है, डॉक्टर्स की आजीविका काफ़ी सारे पॉइंट है वो दिए गए थे। तो राइटर है जो अभी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स का जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डिसीजन लिया जा रहा है इस बिल में, वो काफ़ी अच्छा डिसीजन था और इस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर की समस्या काफ़ी गंभीर है और उस एरिया में डॉक्टर की एक अर्जेंट नीड है, अदरवाइज़ वहाँ पर समस्या और ज़्यादा गंभीर हो सकती है। क्योंकि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर का रेशियो बहुत कम है, शहरों में तो फिर भी डॉक्टर है, गाँव में डॉक्टर काफ़ी कम है, इसलिए हमें इस चीज़ पर कदम उठाना चाहिए। वहाँ पर अवेयरनेस का भी ऑलरेडी काफ़ी बड़ा इशू रहता है। तो आर्टिकल ये बता रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट ऐसी हैं जिन रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं आयुष के, होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो उस ट्रेनिंग का फ़ायदा हो सकता है। जैसे कि आर्टिकल बता रहे हैं कि जो फोर्थ कॉमन रिव्यू मिशन रिपोर्ट आई थी 2010 की, उस रिपोर्ट से इसका पता चला था कि कोई भी जैसे होम्योपैथी का डॉक्टर अगर उसे कोर्स करवाया जा रहा है तो ओब्वियसली उस चीज़ का फायदा, मतलब कोई भी जैसे टेम्परेरी जैसे 5 महीने 10 महीने का अगर कोई भी अस्थायी कोर्स करवाया जा रहा है तो उस कोर्स से क्या है कि उनमें एबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ वो डॉक्टर्स का काम अच्छे ढंग से कर सकें। क्योंकि देखो थोड़ा बहुत नॉलेज तो उनको ऑलरेडी डॉक्टर्स का होता है, बस उन्हें क्या कि अंग्रेजी दवाइयों के बारे में नहीं पता होता है, तो उस कंडीशन में अगर उन्हें कोर्सेज वगैरह के तहत छूट दी जाती है ताकि वो रूरल एरियाज़ में ट्रीटमेंट वगैरह कर सकें, तो इस चीज़ का फायदा हो सकता है और रूरल एरियाज़ में जो डॉक्टरों की कमी है उसको दूर किया जा सकता है। क्योंकि अभी हमारे देश में डॉक्टरों की भारी कमी है, तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का फायदा हो सकता है। अब देखो इससे फायदे क्या होंगे, इससे फायदे दो होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि जो भी होम्योपैथी का जो आयुष के जो डॉक्टर्स हैं उनकी स्किल बढ़ेगी, मतलब उनमें स्किल इंप्रूवमेंट होगा ताकि वो और अच्छे ढंग से रिसर्च वगैरह कर सकें और उन्हें आगे फायदा होगा। दूसरा है कि गाँव में सबसे ज़्यादा फायदा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गाँव में क्या है कि गवर्नमेंट डॉक्टर की पूर्ति वो नहीं कर पा रही है, तो गाँव में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना भी गवर्नमेंट का अहम कारण है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप उठाना चाहिए ताकि गाँव की जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। तो ये थी आज की हमारी एडिटोरियल डिस्कशन। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से एडिटोरियल वो डिस्कस किए हैं। आज हमने सबसे पहले ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में डिस्कस किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 और 191 में इस चीज़ का प्रावधान है कि कोई भी और एमपी और एमएलएज हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की सीट है वो धारण नहीं कर सकते, अदरवाइज उन्हें जो एमपी और एमएलएज की सीट है वो खोनी पड़ेगी। और यही केस हुआ अभी दिल्ली गवर्नमेंट का कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या है कि इस कानून एक तरीके से कानून बना के छूट तो दी नहीं थी और बिना कानून बनाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की सीट पर बैठा दिया था, मतलब जो पार्लियामेंट्री सचिव की पोस्ट है वो दे दी थी अपने 20 MPs को, और उसी की वजह से मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव हो गया और अभी की उनको मतलब एक तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो वो सारा केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या क्या पॉइंट थे। इसके बाद हमने देखा कि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे डोकलाम में क्या क्या इशूज़ हैं और अभी वहाँ पे किस तरीके से अस्थिरता बढ़ती जा रही है, और इसके लिए मेनली ये आर्टिकल फोकस किया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर स्टेटमेंट आनी चाहिए कि भाई वहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि अभी लोगों के मन में काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हो कि असंदिग्धता वाला माहौल भरा पड़ा है, इसलिए लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में कि यार वहाँ हो क्या रहा है, कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्टैंड आ नहीं रहा है जबकि वहाँ पे चाइना की प्रेजेंस आ रही है, क्या कहीं इंडिया पीछे आया है चाइना पीछे गया, क्या सीन है। तो सारी गवर्नमेंट को क्लियर गाइडलाइन वो करनी चाहिए। उसके बाद में अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था प्राइमरी हेल्थ केयर की, कि रूरल एरियाज में प्राइमरी हेल्थ केयर की सिस्टम काफ़ी ख़राब है, वहाँ पे डॉक्टर्स की समस्या है, और इसीलिए नेशनल मेडिकल बिल में कुछ प्रावधान किए गए थे, बट उस बिल में जो प्रावधान आए थे उनका नेशनल मेडिकल काउंसिल ने विरोध किया था, और उसी की उसमें आर्टिकल ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन था या बिल में जो प्रावधान किया गया था वो काफ़ी अच्छा प्रावधान था, तो इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो वो सारे हमने पॉइंट डिस्कस किए। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।